देखिए, नुपुर शर्मा जैसे लोग जो केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी समझती कि ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को उनके दल ने भी बाहर कर दिया हो, ऐसे लोगों को बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं, इसलिए समाजवादी पार्टी को उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। सर, एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गया है। योगी जी ने बोला है कि जो भोले बाबा थे उनके पॉलिटिकल लिंक्स हैं, उधर अखिलेश जी ने बोला है कि छोटी मोटी गिरफ्तारी कर रहे हैं जबकि मेन लोगों को अभी भी नहीं पकड़ रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो विफलता है, जो प्रशासन की विफलता है, जो हॉस्पिटल की विफलता थी, जो हॉस्पिटल में इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं थे, प्रशासन को जो इंतजाम करने चाहिए थे वो प्रशासन ने इंतजाम नहीं किए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विफलता से जनता का ध्यान हटाने के लिए वो आरोप लगाने की राजनीति कर रही है। लेकिन जनता और पूरा देश आज जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने कोई भी कार्रवाई न प्रशासनिक स्तर पे की है, न जो डॉक्टरों की लापरवाही थी वहां पे हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे मामले पे लीपापोती करके इसमें जनता का ध्यान हटाना चाहती है। सर, अयोध्या में बीजेपी को हराया था, उसी तरह कांग्रेस जो है वो गुजरात में भी बीजेपी को हराएगी। देखिए, कांग्रेस दल का संगठन है, वो अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन कांग्रेस दल अपने तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी उन्हें शुभकामनाएं देती है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही रोकेगी, ऐसे ही हराने का काम करेगी। सर, एक तरीके से पार्ट टाइमर्स जो थे उन्होंने तैयार किया, और ये इनको एक्ट करने में ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स से भी ज्यादा बुरी तरह एक्ट किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। देखिए, जिस तरह से कुछ परिवर्तन किए गए हैं उस पे बहस की आवश्यकता जरूर है, कुछ राज्यों ने उस पे आपत्ति भी जताई थी, और समाजवादी पार्टी भी लगातार इस बात को उठाती आई है कि जो परिवर्तन हुए हैं उन पे कोई बहस नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों में जिस तरीके से मनमानी की गई, ये जो परिवर्तन है ये उसी का नतीजा है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को देख के आगे का अपना जो रोड जो लक्ष्य है उसको तय करेगी। जो परिवर्तन इसमें किए जाने चाहिए उसके लिए समाजवादी पार्टी आवाज जरूर उठाएगी। सर, दिल्ली जो वहां के हैं वीके सक्सेना, उन्होंने आम आदमी पार्टी लीडर सत्येन जैन के खिलाफ मंजूरी दे दी है जांच के लिए। देखिए, जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठे जो व्यक्ति हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं इशारों पर काम कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और समाजवादी पार्टी समझती कि लोकसभा चुनाव में जनता ने इसी नकारात्मक राजनीति के खिलाफ वोट देने का काम किया है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिल्ली में खींचतान है वो भी सबको दिख रहा है। जिस तरीके से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उनके मंत्रियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए जो भी जांच है उसका सामना आम आदमी पार्टी उनके नेता करेंगे, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम लेने का काम कर रही है। सर, बहुजन समाज चेन्नई जा रही है, उनके जो लीडर थे वहां के आर्मस्ट्रांग, उनका मर्डर कर दिया गया था। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, समाजवादी पार्टी उनको श्रद्धांजलि देती है। तमिलनाडु में एक अच्छी सरकार है और वो निसंदेह इस पूरे प्रकरण में जल्द कार्रवाई करेगी। आदरणीय मायावती जी जा रही, उनके दल का मामला है, समाजवादी पार्टी समझती कि उनके जो नेता हैं उनकी हत्या हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी उनको श्रद्धांजलि देती है। सर, कल समाजवादी पार्टी ऑफिस में बड़ी बैठक हुई थी, अखिलेश जी भी थे, बायपोल्स को लेकर चर्चा हुई, क्या स्ट्रैटेजी बनी? देखिए, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का कैसे सूपड़ा साफ करे, तो उसी लक्ष्य को लेके समाजवादी पार्टी ने जहां जहां बाई इलेक्शन है उसको लेके बैठक की है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे ही इन चुनाव की घोषणा होगी उन पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे, और पार्टी समझती है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, होने वाले बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से साफ करने का काम करेगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।